हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। सराय खाजा क्षेत्र के रामपुर डेरवा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को पेचकस और हाकी से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृत महिला को एक सप्ताह पूर्व हुई ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत जमालपुर निवासी कालीचरण की बेटी सोनम का प्रेम विवाह 25 मार्च 2021 को पड़ोसी गांव रामपुर डेरवा के आकाश गौतम के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति पत्नी के बीच अवैध संबंधों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। लोगों का कहना कि आकाश अपने यह परिवार के सदस्य पर शक करता था, इसे लेकर अक्सर वह पत्नी की पिटाई भी करता था। पिटाई की वजह से सोनम अक्सर मायके चली जाती थी। बाद में मान मनोरोग के बाद आकाश उसे लेकर आता था। यह सिलसिला शादी के बाद से ही चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व सोनम को ऑपरेशन से बेटी पैदा हुई थी। आकाश उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, इसी पर और दोनों में नोकझोंक होती रहती थी। बीती शाम विवाद के दौरान आक्रोशित आकाश ने पत्नी सोनम को पेचकस हाकी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। उधर सूचना पर पहुंचे सोनम के पिता पति सहित ससुराल के कई सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनीस राय ने बताया कि दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक हत्यारोपी मौके से फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आइए देखते हैं एक तस्वीर।